दीपक बनाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का दिया संदेश। दीपावली पर दीपक बधाई पत्र की हुई प्रतियोगिता। दीपावली पर अनुपयोगी वस्तुओं पर दिखाई दी प्रतिभा। अनुपयोगी वस्तुओं से बनाए दीपक व बधाई पत्र, प्रदर्शनी किया आयोजन। झुंझुनू के डुंडलोद में DPS स्कूल में अनुपयोगी वस्तुओं पर छात्र छात्राओं ने दीपावली पर बधाई संदेश व विभिन्न प्रकार के दीपक बनाकर अपना पर्यावरण को स्वच्छ रखने का दिया संदेश। इस प्रतियोगिता में सबसे सर्वश्रेष्ठ दीपक, बधाई संदेश व अन्य सजावट की वस्तु बनाने वाले को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान किया गया। संस्था सचिव BL रणवा ने बताया कि समय समय पर ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है जिसमें अनुपयोगी वस्तुओं को भी काम में लिया जाता है और पर्यावरण दूषित होने से बचाया जाता है। अभी दीपावली फेस्टिवल है, 4 तारीख को दीपावली है और देखिए हमारा एकेडमिक फील्ड में ही काम करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे करें। एकेडमी में हमारा हर साल जब से हमने स्कूल ये स्कूल शुरू की है 10th एंड 12th का 100% रिजल्ट रहता है, तो एकेडमिक में ये स्कूल बहुत चल और यहाँ के बच्चे डिफरेंट सर्विसेज में या खुद का इनोवेशन भी इन बच्चों ने काफ़ी काम किया, अपने खुद के वर्क में भी काफ़ी काम किया है, डिफरेंट सर्विसेज में भी हायर कॉस्ट पे ये बच्चे हैं, यानी हर सेवा में या प्रोडक्शन में इन बच्चों ने जगह जगह काम किया, तो ये हमारा एकेडमिक फील्ड शानदार हुआ। इसके बाद में स्पोर्ट्स में, जैसे स्पोर्ट्स में अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गेम्स अभी शुरू हुए हैं, काफ़ी बच्चों ने प्राइज ले के आए हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, विभिन्न डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, और स्टेट में 16 बच्चों का स्टेट में सिलेक्शन हुआ है, तो स्पोर्ट्स में भी बहुत शानदार कर रहे हैं। अब इसके बाद में आया कि आप अदर एक्टिविटीज, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो या क्रिएटिव एक्टिविटीज, जैसे दीपावली पर हमने छोटे वाले बच्चों को दिए बनवाए कि आप मिट्टी के दिए बनाए, ये एक मिट्टी के दिए बनाने का पीछे हमारा संदेश था कि हमें वो फेस्टिवल में वो चीज़ें यूज लें जो वायु को प्रदूषित नहीं करें, जो इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखें, वातावरण को स्वच्छ रखें, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी के दिए बच्चों ने डिफरेंट अलग अलग डिजाइन के बना के लाए, तो ये उनमें क्रिएटिविटी डेवलप हुई बच्चों में, और उनमें देखा कि सबसे शानदार दिया किसका है, तो बच्चों को फर्स्ट प्राइज या सेकंड प्राइज या थर्ड प्राइज मिला, जिससे बच्चे मोटिवेट हो गए और शानदार बेहतर इसमें काम करें। तो शानदार दिए बनाना और उसके पीछे जो उद्देश्य था कि जो इन्वायरमेंट है वो प्रदूषित नहीं रहे, उसको प्रदूषण को रोकने का एक महत्वपूर्ण इसके पीछे जो उद्देश्य था वो इसमें दिए बनाने का था। दूसरा, ग्रीटिंग कार्ड, हमारे पास में जो वेस्ट मटेरियल है जिसको कोई दूसरी और काम में नहीं आता, तो उससे हमने बच्चों को मोटिवेट किया कि वो उसका अपना ग्रीटिंग कार्ड बनाए उसमें।